हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ओहो, अस्सलाम वालेकुम। यार आज का जो सीन है वो ये होंडा सिटी नहीं है, ये होंडा ग्रेस है और 2017 मॉडल है। 17 है 16 है, 16 मॉडल है और बिल्ड क्वालिटी होंडा सिटी से बहुत बेहतर है और फर्स्ट क्लास हाइब्रिड भी है। और इसी को मतलब अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि होंडा है। होंडा सिटी हो या होंडा ग्रेस हो, अगर लेकिन होंडा होंडा नहीं, होंडा सिटी ने चीटिंग की है टोयोटा की, लेकिन होंडा होंडा है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था होंडा होंडा नहीं, होंडा पाकिस्तान अलग है, ये होंडा अलग है। बिल्ड क्वालिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजिंग है थोड़ी सी उसमें और इसमें और बाकी क्या फीचर्स हैं इसमें। चलो तो आज हमारे पास होंडा की ग्रेस जो कि 2016 मॉडल है और 20 की इम्पोर्ट है। और आपको पता है कि होंडा ग्रेस पहले आई थी और उसी की शेप पे कन्वर्ट कर दी इन्होंने होंडा सिटी को, बस हाइब्रिड नहीं है वो। और बाकी जो है इसकी एक्सटीरियर से देखते हैं क्या मतलब सीन है इसका। तो सबसे पहले इसकी जो फ्रंट ग्रिल देखते हैं आप, तो फ्रंट ग्रिल जो है इसकी ये प्लास्टिक में है और नीचे से क्रोम की ट्रिम है। जो इसके न्यू मॉडल हैं 17 18 उसकी जो है यहाँ पे क्रोम की ट्रिम दी हुई है। नीचे बम्पर में आ जाएंगे, बम्पर की शेप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैसी है जैसे होंडा सिटी की इन्होंने दी है। और उसके बाद नीचे फॉग लाइट्स देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम की ऐसे ट्रिम है, आपको नज़र आ रहा है। ऊपर अगर हम फ्रंट इसकी जो लाइट पे देखेंगे तो ये सारे हेलोजन हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं अंदर करके। ये इसकी पार्किंग लाइट है और इसकी DRL नहीं है, जो कि इसके न्यू मॉडल थे उसमें DRL इन्होंने दी थी, इस वाले वेरियंट में नहीं है। तो ये जो है इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है, सारे हेलोजन बल्ब के साथ हैं, ये इंडिकेटर की लाइट है। और अब हम साइड प्रोफाइल में देखते हैं, ये देखें कि यहाँ पे बैच दिया हुआ है हाइब्रिड का। नीचे आ जाएंगे, नीचे देखेंगे कि ये 15 इंचिस के इसके स्टील व्हील हैं, साथ इसमें ये जो है व्हील कप जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है, इसमें अलॉय व्हील वाला नहीं है क्योंकि ये बेसिक वेरियंट है। और हम इसकी साइड में आ जाएंगे, साइड पे इसका जो साइड व्यू मिरर है वो देख सकते हैं आपके, बिल्कुल होंडा सिटी जैसा इन्होंने दिया है। और पहले मैं बताता चलूं कि ये इम्पोर्ट हुई हुई है, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया, तो इसके ये जो एयर प्रेस हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये फ्रॉम कंपनी ही फिटेड है इसमें। और बाकी इसमें बिल्कुल सेम वैसी है जैसे होंडा सिटी इन्होंने दी है। और अब हम बैक साइड पर देख सकते हैं, बैक साइड पे जो इसकी लाइट्स हैं, लाइट्स इसमें इसकी जो बैक लाइट है वो इन्होंने LED में दे दी हैं, जो कि होंडा सिटी की भी अब वेरिएंट आए हैं नए उसके जो हैं वो हेलोजन में हैं। तो LED इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ब्रेक लाइट की LED है, ये जो लाइन नज़र आ रही है ये पार्किंग लाइट है ऐसे, और ये रिवर्स की है, ये इंडिकेटर की है। नीचे आ जाएंगे, नीचे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स हैं और बम्पर की शेप भी काफ़ी प्यारी है, आपको नज़र आ रहा है जैसे साइड में इन्होंने लुक दी है वैसी ही इन्होंने लुक इधर नीचे दे दिया बम्पर में। ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे देखें हाइब्रिड का जो है इन्होंने लोगो दे दिया, मतलब जो बैज है वो है। ऊपर शार्प फिन एंटीना दे दिया और ये जो स्पॉइलर है इसका, स्पॉइलर देख सकते हैं फ्रॉम कंपनी है, ये जेन्युइन लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल। यहाँ पे क्रोम की ट्रिम है, यहाँ पे ग्रेस लिखा हुआ है। और ऊपर आ जाएंगे, इसका ब्रेक लैंप है यहाँ पे। बाकी ये थी इसकी एक्सटीरियर से लुक, अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो इंटीरियर में देखते हैं क्या सीन। तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर वाली साइड में। इंटीरियर से पहले आपको की दिखा देता हूँ, ये देखें लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपनर, जो कि होंडा सिटी जो है उसकी सेम एज इट इज़ ऐसी की है। पीछे जो है इसका हाइब्रिड है, तो ये यहाँ पे इन्होंने ब्लू के शेड दिया जो कि बिल्कुल ही विजल जैसी की है। तो अब इसको हम अनलॉक की के थ्रू नहीं करेंगे, मतलब कीलेस एंट्री वाला सीन है, आप बटन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा अपना, ये जैसे हाथ अंदर डाला तो ये देखें ये ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स के साथ है, तो ये गाड़ी अनलॉक होगी। तो अब अंदर वाली साइड पे डोर पैनल देख सकते हैं हम, वो सेम एज इट इज़ वैसा ही है इसका। और जो हम इसके ऑटो मिरर देखेंगे तो ये सिंगल ऑटो है 3, और जो फुली ऑटो है ये ड्राइवर सीट वाला वो है। और ये लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पे मास्टर लॉक है कि आप मिरर लॉक कर सकते हैं। ट्विटर भी यहाँ पे है, नीचे स्पीकर है, यहाँ पे कप होल्डर की जगह है। और इस साइड पे आ जाएंगे तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है आपका ट्रंक ओपनर की में भी था, यहाँ पे भी है, और जो मैन्युअली आप सीट अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड पे आ जाएंगे तो ये देखें कि इधर इकोन का बटन है, जो कि एस्पायर में इन्होंने दिया है, बाकी जो सिंपल बेसिक वेरिएंट थे उसमें नहीं दिए थे। और ये रिट्रैक्ट मिरर की सेटिंग है, बिल्कुल सेम वैसी ही है। नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि हेडलाइट एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे जो है रिडार सिस्टम ऑन ऑफ का बटन है, वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कहाँ लगा रिडार सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल और आप जो इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं उसको ऑटो कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं।
नीचे आ जाएंगे, नीचे देख सकते हैं फ्यूल गेज है, मतलब आप ये फ्यूल ओपनर यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर आगे बोनट जो है वो खोल सकते हैं यहाँ से। अब हम आ जाएंगे इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पे इसका बटन है स्टार्ट स्टॉप का, तो ये ऑन हो गया। आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ विजल जैसा है, और RPM मीटर भी मैं आपको दिखाता हूँ फुल स्पीड इसके, मतलब जो है मीटर वो 180 तक जाती है, और आपको पता है कि जैपनीज़ कार जो हैं वो मोस्टली नहीं बल्कि सारी ही 180 तक उनका मीटर होता है स्पीड का। इस साइड पे आप देख सकते हैं, तो ये देखें पावर जो चार्जिंग वो ऑप्शन दे रहा है, और नीचे टाइम भी दे रहा है, नीचे जो है ऊपर सॉरी नीचे जो है वो आप देख सकते हैं कि इधर जो टेम्परेचर है वो शो करा रहा है, और ऊपर जो है गियर लीवर जो यहाँ पे देखें यहाँ पे बना हुआ है। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं है, मैं स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें यहाँ पे जैसे वहाँ पे भी शो हो रहा है कि आप डी में हैं, और आर पे रिवर्स चली गई है, और यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल में है। और नीचे देखें यहाँ पे भी आपको मैं उस साइड से दिखाऊंगा कि ये जो गियर लीवर है ये आपको शो करा रहा है यहाँ पे, और ये पार्किंग का बटन है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इको बटन है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सामने जो है वो इको का वो जो फूल सा वो ट्री सा बना होता है वो दे रहा है। और उसके बाद हम यहाँ से जो है अपना जो राइट साइड वाला मतलब इधर वाला जो डिस्प्ले है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एवरेज शो कर रहा है, यहाँ पर भी ट्रिप बी की एवरेज शो कर रहा है, इसमें टोटल रेंज शो कर रहा है बी की जो है ऊपर जैसे लिखा हुआ है, और नीचे इसके बाद जो है ये आपको एवरेज बता रहा है गाड़ी की, और ये RPM मीटर है इसका। उसके बाद ये जो है बैटरी का, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रिप के ऑप्शन दे रहा है, ये गाड़ी जो है टोटल 151,142 चली है, और ये ट्रिप ए ट्रिप बी। उसके बाद यहाँ पे स्टेयरिंग देख सकते हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन है जो कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है इसका। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो है उसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये था इस साइड का, अब हम चलते हैं इसकी दूसरी साइड पे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो अब हम इस साइड पे आ गए, इस साइड पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डैशबोर्ड का यहाँ पे कलर है ये देखें कि मतलब ग्रे कलर है डार्क, जो कि फुल ट्रिम जा रही है, और एसी के विंड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड है। उसके बाद इस साइड पे आ जाएंगे हम, देखें कि इसकी जो एंड्रॉयड पैनल है ये आफ्टर मार्केट लगी है, और हैजर्ड साइन का बटन है जो कि होंडा सिटी में आपने देखा था इस तरह था इसका, इस तरह सीधा करके। इस साइड पे आ जाएंगे, इस साइड पे देख सकते हैं कि ये सारी डिजिटली है, इसमें आप मतलब टच के थ्रू भी इसका जो सारा सिस्टम है वो कर सकते हैं, और ये सारा टच ही है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और नीचे जो है नीचे 2 कप होल्डर्स हैं। इस साइड पे आ जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो सामने आपको शो हो रहा होगा कि ये स्पोर्ट्स मोड में लग गई है। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे, गियर लीवर का बताया कि ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ विजल जैसा है, और यहाँ पे पार्किंग बटन का भी ऑप्शन है जो कि लाइट शो करता है इसमें। और उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे गियर की सेटिंग है। उसके बाद इधर आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस है, कोई चीज़ आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और ये मैन्युअली हैंड ब्रेक है, यहाँ पे स्पेस है सेम एज इट इज़ होंडा सिटी जैसी। इसको ओपन करेंगे तो ये छोटा सा कंपार्टमेंट है जो कि सही है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे सेफ्टी फीचर के लिहाज से, इसमें एयरबैग्स हैं जो कि इसमें 8 एयरबैग्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफ फीचर के लिहाज से बहुत अच्छा है कि इसमें 8 एयरबैग्स हैं, 2 आगे वहाँ पे आ जाते हैं, और ये स्टेयरिंग पे है, यहाँ पे है जो कर्टन एयरबैग्स है, उसके बाद यहाँ पे सीट पे भी है एयरबैग, और जो है पिलर पीछे वहाँ पे भी है, मतलब टोटल 8 एयरबैग्स हैं, ABS के साथ है। और इसकी जो अब हम इस ऊपर देखते हैं, ऊपर वाली साइड पर देखेंगे जो मैंने आपको रडार सिस्टम का बटन वहाँ पर ऑन ऑफ का बताया था वो ये लगा हुआ है। ऊपर यहाँ पर जो है 2 लाइट्स हैं, और इसको वैनिटी मिरर है, ऊपर लाइट कोई नहीं है इसकी। और अब हम चलते हैं इसकी बैक साइड पे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो अब हम इसकी बैक सीट्स पे आ गए हैं। बैक सीट में सबसे पहले डोर में, जैसे आपको अहमद दिखाएगा कि डोर बैक डोर्स में भी ट्विटर है, और नीचे स्पीकर है, और वहाँ पे जो है कप होल्डर की थोड़ी सी स्पेस है वो है। और इसकी अब लेग रूम की बात करेंगे, लेग रूम जैसे मैंने आपको होंडा सिटी में भी बताया था कि लेग रूम इसका बहुत ज़्यादा है, और हेड रूम है वो भी बहुत अच्छा है इसका। और नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे तो एसी के विंड्स देख सकते हैं जो कि एस्पायर में आते हैं, जो न्यू होंडा सिटी है उस पर, और बाकी जो बेसिक वेरिएंट है उसमें नहीं आते, और इसके हर वेरिएंट में आते हैं।
और नीचे जो है नीचे कुछ भी नहीं है आपको, चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ नहीं है। और इसका हम जो है हम आर्मरेस्ट देखेंगे, आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही है और इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ इसमें ये है कि आप इसमें कोई अपनी थैली शैली लटका सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी लाइट दी हुई है, कैबिन लाइट। ये था इसका बैक सीट का सीन। अब हम चलते हैं इसकी ट्रंक वाली साइड पे। ट्रंक जो है मैं इसकी की से ओपन करूँगा। ट्रंक ओपन हो गया है, उसके बाद अंदर देख सकते हैं स्पेस, बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छी है। और इन्होंने मैट जो है होंडा सिटी का रखा हुआ है, ये देखें, क्योंकि सेम शेप है, सेम है सब कुछ। नीचे आ जाएंगे, नीचे इसका ये जैपनीज है तो इसके साथ स्पेयर व्हील नहीं आता और इसके टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं और कंप्रेसर पड़ा हुआ है जो कि इसके हवा के लिए होता है टायर्स की। और ये जो है इसमें स्प्लिट लगा हुआ है कि मतलब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपकी जो अगली वाली सीट्स हैं वो रिक्लाइन हो जाएंगी। ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। और ये 2016 मॉडल है, 20 की इंपोर्ट है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया। तो इसकी जो प्राइस है वो कंफर्म नहीं है क्योंकि नया मॉडल है, हम बता भी नहीं सकते। नया मॉडल नहीं है तो बता भी नहीं सकते। तो इसका रिव्यू ख़त्म करते हैं, तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू पे। अल्लाह हाफ़िज़।